केंद्र वैद्य आरोग्य शाख जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం 2.41 करोड़ टोटल डोजेस दी जा चुकी हैं जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 इयर्स ऑफ एज कवर किए गए हैं और साथ ही जो नई लिबरलाइज अप्रोच के तहत 18-44 इयर्स के लोग अलाउ किए गए थे उसमें भी अब एक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 2.43 करोड़ पीपल हु हैव बीन गिवन डोजेस नोट किया गया है। मुख्यतः जरूरी है कि हम आने वाले समय में जहां हम केसेस में कमी नोट कर रहे हैं रिकवरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं हम अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर उसी तरह से उसी मोमेंटम से उसी एनर्जी से उसी स्पीड से काम करते रहें। हमारे 5 प्रिंसिपल जिसको हम हमेशा आपके द्वारा सब लोगों से विनती करते रहे हैं जिसमें कि हमारा मेन फोकस है कि टाइम पर टेस्टिंग कराएं साथ ही टेस्ट होने के साथ प्रॉपर आइसोलेट करें और हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं जिनके चांसेस है कि वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं उनकी टेस्टिंग कराएं आईसीएमआर प्रोटोकॉल के तहत। जो लोग होम आइसोलेशन में रहे वे होम आइसोलेशन की गाइडलाइन फॉलो करें और जिनको जरूरत है वे हॉस्पिटल में एडमिट होकर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत अपना ट्रीटमेंट कराएं। नए एक हमारे जो आर्मर है नया एक सपोर्टिंग टूल है वैक्सीनेशन हम उस पर ध्यान दें उसके बारे में कोई भी भ्रांति ना रखते हुए वैक्सीनेशन जब भी जिस भी सेंटर में हमारे पास अवेलेबल हो हम वैक्सीनेशन जरूर कराएं और साथ ही मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इज इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम रूट कॉज पर काम करें हम ये इंश्योर करें 2 गज की दूरी यूज ऑफ मास्क एंड प्रॉपर सैनिटेशन रेस्पिरेटरी हाइजीन इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इंफेक्शन को फैलने से एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही फैलने से रोकें। धन्यवाद डॉक्टर वीके पॉल जी धन्यवाद थैंक यू लव